सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज के वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये है महबूब स्टूडियो जो कि बांद्रा वेस्ट में है और यहीं पर सभी जितने कलाकार हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, संजय दत्त हो, और दोस्तों यहां पर जॉन अब्राहम, जितने भी बड़े बड़े कलाकार, जेके श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, ज़्यादातर इसी स्टूडियो के अंदर शूटिंग किया करते हैं, क्योंकि ये पूरा बांद्रा वेस्ट में ये महबूब स्टूडियो बसा हुआ है और सभी लोग बांद्रा में ही रहते हैं। सलमान खान तो यहाँ पर साइकिल से चलकर आ जाते हैं, साइकिल चला कर आ जाते हैं, कभी पैदल चलकर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर से ये स्टूडियो मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई बांद्रा में किन किन जगहों को आप देख सकते हैं, ये सारी बातों की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां पर स्टार नाइट का प्रोग्राम होता है। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े स्टार नाइट्स प्रोग्राम होते हैं वहीं पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होते हैं। इस वीडियो के आखिरी में आप बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। और चलिए, अब हम आपको यहां से लिए चलते हैं माउंट मैरी चर्च। ये लेफ्ट में जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी फिल्मों में इसको शूटिंग में यूज़ किया गया है। और ये राइट साइड में वास्तु बांद्रा बिल्डिंग है, यहीं पर टाइगर श्रॉफ रहते हैं। चलिए पहले हम आपको माउंट मैरी चर्च दिखाते हैं, यहाँ के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप मुंबई में आते हैं तो आपकी सभी मुरादें पूरी होती है, खासकर जब भी आप क्रिसमस के समय में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की समय समय पर शूटिंग होती रहती है। आपने फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, चाचा भतीजा, और बहुत सारी फिल्मों में, सलमान खान की फिल्मों में इस चर्च को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये माउंट मैरी चर्च, अगर आप बांद्रा में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, अंदर बैठिए 5-10 मिनट, आपको असीम शांति का अनुभव होगा और बहुत ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, दोस्तों सभी ईश्वर के स्थान हैं। वहाँ पर बड़ी ही शांति मिलती है, जब भी समय मिले आपको अवश्य जाते रहना चाहिए। तो चलिए, ये हमने आपको ये माउंट मैरी चर्च दिखाया। बांद्रा में ही आपको दिखाते हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग, इसको पहले दूर से कैसा दिखता है, बांद्रा की आन बान और शान कही जाने वाली ये जगह दोस्तों। और ये करीब से अब हम आपको लेकर आए हैं, ये आप चर्च से जैसे ही नीचे उतरेंगे और बैंड स्टैंड किसी से भी पूछेंगे दोस्तों, बैंड स्टैंड बांद्रा फोर्ट, ये जगह बांद्रा फोर्ट के नाम से ये जगह जानी जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, बांद्रा वर्ली सीलिंग को आप यहाँ पर आकर, करीब से आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं समुद्र के ऊपर ये ब्रिज कितनी खूबसूरती के साथ में बनाया गया है दोस्तों। और ये पूरा बांद्रा फोर्ट, सूर्य की किरणें समुद्र में सोना बिखेरते हुए, और ये पूरा बांद्रा फोर्ट का खूबसूरत और मनोहर दृश्य बहुत ही आनंदमय लगता है। और तो चलिए, अब आपको कुछ कलाकारों के घर दिखाते हैं बांद्रा में, उसकी जगह, उसकी वजह से भी बांद्रा बहुत फेमस है और ये बिल्कुल बांद्रा फोर्ट के पास में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये अब हम आपको लेकर आए हैं खानों के खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के घर आपको दिखाते हैं दोस्तों। और ये पूरा बैंड स्टैंड के नाम से इस जगह को जाना जाता है और ये यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख लीजिए। इसके बाद में आपको शाहरुख खान का बंगला दिखाएंगे, सलमान खान और जितने भी खान हैं मुंबई में यहाँ पर रहते हैं उनके घर आपको दिखाएंगे दोस्तों। और ये पूरा यहाँ का बैंड स्टैंड का खूबसूरत व्यू आप ये देख सकते हैं। जब भी आप मुंबई में आए तो इस जगह पर ज़रूर आए। हालांकि हर एक इंसान आता है, जिसको भी शाहरुख खान और सलमान खान का घर देखना रहता है,
ये शाहरुख खान का घर साइड से साइड व्यू मन्नत को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, और ये आप ये देख सकते हैं आगे, ये पीछे बिल्डिंग जो है शाहरुख खान ने बना ली है, और ये आगे जो बंगला है ये हिस्टोरिकल बंगला है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, ये लीज पर है 100 साल के लिए। ये मन्नत, काफ़ी मन्नतों के बाद में शाहरुख खान को ये मन्नत मिला, और ये पूरा बैंड स्टैंड का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे खान के यहाँ पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सभी लोग प्यार करते हैं वो है सलमान खान हैं यहाँ से, और यहीं पर ये राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं आने वाली 3-4 माले की कटिंग टाइप में, यहीं पर ये रेखा जी की बिल्डिंग है, और इसके पश्चात हम आपको लेकर जा रहे हैं सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी ईद रही थी और ईद पर यहीं से उन्होंने सभी लोगों को यहाँ पर ईद की बधाइयाँ देते हैं, अपने जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। तो चलिए आपको ये पूरा बैंड स्टैंड आप घूमते हुए दोस्तों, पूरा बैंड्रा की खूबसूरती, बैंड्रा में कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगहें हैं आज हम आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी दिखा रहे हैं। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ये गैलेक्सी अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर सलमान खान रहते हैं, 2 फ्लोर उन्होंने पूरे यहाँ पर लिए हैं, उनके मम्मी पापा यहीं पर रहते हैं, और यहीं से दोस्तों वो ईद की बधाई देते हैं। ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, और ये चटाई यहाँ पर लगी हुई है, हमेशा जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके हुआ, और ईद के दौरान यहीं पर यहीं से सभी से मिलते हैं अपने फैंस से, और समय समय पर यहाँ पर जब भी उनका मूड होता है कभी साइकिल से भी यहाँ पर पूरी इस रोड पर घूमते रहते हैं। तो हमने आपको बताया महबूब स्टूडियो बिल्कुल करीब है, तो ये आपको हम अब बताते हैं आपको यहाँ से सलमान खान के घर से मात्र ये चौराहा आएगा, जैसे बैंड्रा स्टेशन की साइड जाएंगे, और यहाँ से हमें राइट लेना है, बस राइट लेने के पश्चात दोस्तों ये महबूब स्टूडियो मोस्टली सिर्फ 0.5 से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं, इसलिए सलमान खान कभी वॉकिंग करते भी आ जाते हैं, कभी साइकिल पर भी यहाँ पर आकर शूटिंग किया करते हैं। और ये लेफ्ट में ही ऋतिक रोशन का घर यहाँ पर भी है, जुहू में भी उनका घर है, अक्षय कुमार के घर के पास में ही, और ये महबूब स्टूडियो। और जुहू के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म स्टार के घर, तो वीडियो ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में हमने डाल रखे हैं, आप चेकआउट कीजिए, बहुत सारे मुंबई की सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। आज का वीडियो ये है कि बैंड्रा में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं दोस्तों, ये हम आपको लेकर आ चुके हैं। ये राइट साइड में जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये लीलावती हॉस्पिटल है दोस्तों, यहीं पर बड़े बड़े कलाकारों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, लीलावती हॉस्पिटल। इसके ट्रस्टी हैं श्री अमिताभ बच्चन साहब, वो भी ट्रस्टी हैं, और इसीलिए अमित जी ज़्यादातर यहीं पर आकर एडमिट होते हैं जब भी उनको कुछ बीमारी लगती है, हालांकि स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, यही कामना करते हैं ऊपर वाले से। और अब हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों, चलिए यहाँ की और भी खूबसूरती हम आपको दिखा देते हैं। ये बैंड्रा वर्ली सी लिंक रोड है, और ये यहीं पर खूबसूरती से ये लिखा हुआ है लव मुंबई, बहुत ही खूबसूरत, और यहीं दूर से बैंड्रा वर्ली सी लिंक नज़र आता है, और यहाँ पर ये पूरे बैंड्रा की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये ब्रिज के बाद में जो है हम आपको लेकर जाने वाले हैं बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर कि जितने भी बड़े बड़े स्टार नाइट्स प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं दोस्तों। ये पूरे बैंड्रा की खूबसूरती आज हम आपको ये दिखाते हुए बैंड्रा वेस्ट से हम आपको लेकर जा रहे हैं बैंड्रा ईस्ट की ओर, और ये पूरा बैंड्रा रिक्लिनेशन रोड और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इस रोड के माध्यम से दोस्तों आप दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में बैंड्रा स्टेशन है यहाँ पर, और राइट साइड में माहिम है, माहिम दरगाह भी है,
और उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी बांद्रा की खूबसूरती को आप ये देख लीजिए दोस्तों, हम आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ पर कि बड़े बड़े स्टार नाइट्स प्रोग्राम मुंबई शहर में होते हैं, बांद्रा ईस्ट में, और उस जगह का नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो चलिए उस जगह पर आपको लिए चलते हैं, और यहाँ से बस राइट में ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्टार नाइट्स प्रोग्राम होते हैं, आईफा अवार्ड, जी अवार्ड, जी सिने अवार्ड, जितने भी बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं मुंबई शहर में, सभी यहीं पर होते हैं। और ये खूबसूरत जगह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मैदान है, बड़े बड़े क्रूसाइड्स होते हैं दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुंबई शहर में होते हैं ज़्यादातर यहीं पर होते हैं, क्योंकि यहाँ का मैदान बहुत ही बड़ा है। चलिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को आपको घुमाते हैं। यहीं पर ये जियो गार्डन है दोस्तों, जहाँ पर कि यूट्यूब फैनफेस्ट फेस्टिवल यहाँ पर होता है, हर साल होता है ज़्यादातर। और ये आप ये पूरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर आप बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह ये जियो गार्डन। और ये यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफिस आप ये देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों।